बॉलीवुड की दबंग खान यानी कि सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर और कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 14 के फिनाले में महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इस बीच देखा जाए तो फैंस लगातार भरपूर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को। जहां एक और फैंस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं टीवी सेलिब्रिटीज के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अब एक मशहूर अभिनेता ने विनर को लेकर ऐलान किया है। आखिरकार कौन है ये अभिनेता, बताते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि हाल ही में शो के विनर को लेकर एक मशहूर अभिनेता ने अपने दिल की बात कही है कि आखिरकार शो का विनर कौन होना चाहिए। ऐलान कर दिया है शो के विनर को लेकर मशहूर अभिनेता ने। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 1 के विनर रह चुके और आशिकी फैम एक्टर राहुल रॉय का स्टेटमेंट सामने आया है। राहुल रॉय ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि इस साल विनर किसे होना चाहिए। राहुल रॉय ने बताया है कि इस साल राहुल वैद्य और एलिकोनी में से एक को विनर होना चाहिए। अपने इंटरव्यू में राहुल ने कहा है कि हाँ, मैं इस सीजन को देख रहा हूँ, इसमें काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। मैं फिनाले का इंतज़ार कर रहा हूँ और इस सीज़न के विनर के बारे में जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ। मैं शो को उस वक्त भी देखता था जब मैं हॉस्पिटल में था, जब मेरा इलाज चल रहा था। वहीं राहुल रॉय ने आगे बताया कि मुझे एलिकोनी और राहुल वैद्य खास पसंद हैं और मैं चाहता हूँ कि दोनों में से कोई ये शो जीते। शो में दोनों की दोस्ती मुझे काफ़ी पसंद आई है और मैं कहूँगा कि सबसे बेहतर खिलाड़ी ही जीते। वेल, इस तरह से देखा जाए तो राहुल रॉय ने अपने दिल की बात कही है और वो चाहते हैं कि विनर के तौर पर एलिगोनी या फिर राहुल वैद्य ट्रॉफी को अपने नाम कर ले। वेल, देखा जाए तो जहां एक और राहुल और एलिगोनी के फैंस के लिए ये गुड न्यूज़ है, तो वहीं रूबीना दिलीप के फैंस के लिए ये खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।